विश्व के इतिहास में दर्ज एक ऐसा दिन जिसमें भारत ने एक नए देश का उदय किया। नए देश का उदय कराकर भारत ने पूरे विश्व के सामने अपना एक नए देश का डंका लहराया। जो भारत का पड़ोसी देश कहा जाने वाला बांग्लादेश के नाम से पूरे विश्व के सामने विख्यात हुआ। कुछ साल पहले पाकिस्तानी नेता शेख मुजीबुर रहमान के देखरेख में मुक्ति वाहिनी सेना ने अपने शक्ति का पूरे पाकिस्तान में डंका बजाया और भारत से सहायता मांगने पर भारत ने उसका खुलकर साथ दिया। इंडियन गवर्नमेंट टेक्स द डिसीजन टू हेल्प द मुक्ति वाहिनी ईस्ट पाकिस्तान्स रेबल फोर्स। लगभग 13 दिन चले इस युद्ध में मुक्ति वाहिनी सेना और भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय पूरे विश्व के सामने लहराया। मुक्ति वाहिनी सेना तथा भारतीय सेना, इन दोनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान के सैनिकों को ऐसा घाव दिया कि पाकिस्तान की सेना ने इन दोनों सैनिकों के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए और अपने आप को सरेंडर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह एक ऐसा दिन था जो सबसे बड़ी संख्या में सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया किसी और सैनिक के सामने। 16 दिसंबर 1971 को आइए थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं। जब भारत आजाद हुआ 1947 तो इसे बंटवारा करने का भी दर्जा प्राप्त हुआ। आर्यवत कहे जाने वाला भारत दो गुटों में विभाजित हो गया, पाकिस्तान और भारत। और ये बंटवारा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान का कुछ भूभाग उत्तर पूर्वी भारत के भूभाग पर पड़ता था, जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना तथा पहचाना गया पूरे विश्व के सामने। इस भूभाग पर बहुसंख्यक मुस्लिम लोग निवास करते थे। बांग्लादेश का आ जाने वाला भारत का पड़ोसी देश तथा पाकिस्तान का आ जाने वाले भारत का पड़ोसी देश, दोनों ही देश अपने अपनी जगह अपने आप को तेज समझते थे, काबिल समझते थे। इसीलिए 25 फरवरी 1948 में पाकिस्तान के संसद में भाषा की मान्यता को लेकर दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गई। संसदीय लोगों ने उर्दू और अंग्रेजी के साथ बंगला भाषा को भी आधिकारिक भाषा की मान्यता देने की बात की। उस समय लियाकत अली खान, जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री थे, जो बंगला भाषा को आधिकारिक मान्यता को खारिज करते हुए बांग्लादेश का मजाक उड़ाया। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को प्रधानमंत्री द्वारा ऐसा व्यवहार करना अच्छा नहीं लगा। पश्चिमी पाकिस्तान में बैठे हुकूमत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर काफी तरह से अत्याचार करना स्टार्ट कर दिया। एक तरह से कहा जाए तो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के अधीन हो गया। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया और पश्चिमी पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर जुर्म तथा शोषण बढ़ने लगा। यह लगभग 3 दशकों तक चलता रहा। 1960 दशक के मध्य शेख मुजीबुर रहमान जैसे नेताओं ने पश्चिमी पाकिस्तान की नीतियों का सक्रिय रूप से विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया। जुर्म और शोषण के खिलाफ लड़ाई में भारत ने भी पूर्वी पाकिस्तान का सहयोग अंदर अंदर किया। क्योंकि यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला था, इसलिए भारत खुलकर पूर्वी पाकिस्तान के लोगों का सपोर्ट नहीं करना चाहता था। लेकिन भारत ने पूर्वी पाकिस्तान क्रांतिकारियों का अंदर ही अंदर मदद करना स्टार्ट कर दिया और लॉन्च किया गया ऑपरेशन जैकपॉट। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान के सेना के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध में लगे मुक्ति वाहिनी सेना का भर्ती तथा प्रशिक्षण देने का काम शुरू कर दिया। The operation of training the Mukti Vahini. The first task is to start organizing camps in the border areas. 8,000 trainees are to be expanded to 20,000. और लगभग 13 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के साथ। पूर्वी पाकिस्तान में आक्रोश की चिंगारी आग का रूप ले लिया। लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान के अध्यक्षता में जुर्म और शोषण के खिलाफ मुक्ति संग्राम का शंखनाद किया। इस तरह पूर्वी पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान दोनों देशों में युद्ध का आगाज हुआ। अगर युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान कहीं न कहीं कमजोर होता प्रतीत हो रहा था, तब पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने भारतीय सेनाओं का मदद के लिए आग्रह किया। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक श्रेष्ठ पड़ोसी होते हुए पूर्वी पाकिस्तान का मदद करने के लिए संकल्प लिया और भारतीय सैनिकों को पूर्वी पाकिस्तान की मदद के लिए रवाना कर दिया। भारतीय सैनिक के पहुंचते ही पूर्वी पाकिस्तान के सैनिकों को मानो ऊर्जा सा प्राप्त हुआ। इसके बाद तो पश्चिमी पाकिस्तानी सेनाओं को मुंह की खानी पड़ी और पश्चिमी पाकिस्तानी सेनाओं को सरेंडर करना पड़ा भारतीय सैनिकों के सामने। और पश्चिमी पाकिस्तानी चीफ आमिर अब्दुल खान नियाजी ने सरेंडर डॉक्यूमेंट पर अपना हस्ताक्षर किया और विश्व के सामने उदय हुआ एक नया देश जो बांग्लादेश के नाम से जाना तथा पहचाना गया। एजुकेशन वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।